मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित 3 सीटों पर सुबह 7 बजे से और बाकी 227 सीटों पर 8 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। मिजोरम की 40 सीटों पर आज ही वोट डाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 15 साल से बीजेपी की सरकार है जबकि मिजोरम में अभी कांग्रेस सत्ता में है। मतदान से पहले सुबह सुबह नेता भगवान की शरण में पहुंचे और जीत का आशीर्वाद मांगा। लोकतंत्र के पर्व में दोनों राज्यों की जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने खराब ईवीएम का मुद्दा उठाया है और इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज करवाई है। में आज जनता फैसला कर रही है कि राज्य में अगली सरकार किसकी बनेगी। बीजेपी को चौथी बार मौका मिलेगा या जनता इस बार कांग्रेस को मौका देगी। नेता जनता जनार्दन के भरोसे हैं, लेकिन मतदान से पहले सभी नेता भगवान के दर पर जाना नहीं भूले। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी में मतदान से पहले पूजा पाठ की और नर्मदा से जीत का आशीर्वाद मांगा। आपका एक वोट मध्य प्रदेश के विकास को सुनिश्चित करेगा और इसलिए ये वोट किसी व्यक्ति के लिए वोट नहीं है, मध्य प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए वोट है। राज्य में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी मतदान से पहले बजरंग बली के शरण में पहुंचे। कमलनाथ ने विश्वास जताया कि राज्य में इस बार कांग्रेस को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जो मध्य प्रदेश की तस्वीर है अपने सामने रखेंगे, हमारा पीड़ित किसान, भटकता नौजवान, असुरक्षित महिलाएं, छोटे छोटे व्यापारी, दुखी व्यापारी, मजदूर, ये आज सब चित्र जो मध्य प्रदेश का है अपने सामने रखकर अपने हितों की रक्षा करेंगे। मध्य प्रदेश में 15 साल से बीजेपी की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान 13 साल से मुख्यमंत्री हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस विधानसभा चुनाव को सेमी फाइनल माना जा रहा है। आज ही मिजोरम विधानसभा की 40 सीटों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर पूर्व में मिजोरम ही एकमात्र राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में सवाल ये कि क्या शिवराज सिंह चौहान चौथी बार दिलाएंगे बीजेपी को जीत? क्या मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को देगी इस बार मौका? उत्तर पूर्व के एकमात्र राज्य मिजोरम को बचा पाएगी कांग्रेस? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ इस वक्त अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी के नेता और साथ ही राधिका खेरा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। और राहुल मिश्रा जबलपुर से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। सबसे पहले राहुल आपके पास आएंगे। जबलपुर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का संसदीय क्षेत्र है राकेश सिंह का, वहां क्या स्थिति है वोटिंग की इस वक्त और किस तरह का आप देख रहे हैं ट्रेंड मुद्दों को लेकर? देखिए अभी तक जो 12 बजे तक वोटिंग हुई है वो 26% हुई है। मैं एक चीज बता दूं कि आज सुबह से ही मैं जबलपुर की पूरी, यदि जबलपुर जिले की 8 विधानसभा को मैं देख रहा हूं मैं जी, तो लंबी लंबी लाइनें यहां पे देखने को मिल रही है। और जो बातें कही जाती है कि पहले मतदान फिर उसके बाद जलपान, वही चीज देखने को मिला है। 8 बजे सुबह में ही लाइनें यहां पे लाइन देखने को मिली थी और अभी तकरीबन यदि देखा जाए तो 26% तक यहां पे मतदान हुआ है। लेकिन यदि हम मुद्दों की बात करें तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं जैसे कि जो विधानसभा चुनाव होते हैं तो उसमें बिजली, सड़क, पानी, ये एक अहम मुद्दा होता है। इसके ऊपर उसके अलावा जब बात करते हैं तो क्षेत्रीय मुद्दे कई एक मुद्दे होते हैं जिसमें कि रोजगार होता है, उसके अलावा शिक्षा होता है, उसके बाद स्कूल होते हैं, उसके अलावा देखा जाए तो हम एक जगह पे ऐसे जगह पे गए थे जो कि एक स्टेशन को लेकर के भी जनता वहां पे नाराज थी कि यदि ये स्टेशन यहां पे आ जाता है तो यहां पे रोजगार उससे बढ़ता है, उससे कहीं सुरक्षा बढ़ती है, ये सब चीजें यहां पे देखने। यानी आप कह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे काफी हावी हैं, भले ही दूसरे मुद्दों को हवा दी जाए लेकिन स्थानीय मुद्दे जनता को ज्यादा लुभा रहे हैं और इन मुद्दों को लेकर ही जो आम नागरिक हैं वो वोट करने जा रहे हैं। आपने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि पहले मतदान फिर जलपान, ये मतदाताओं की प्राथमिकता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले भगवान फिर मतदान, ये वरिष्ठ नेताओं की प्राथमिकता बनती जा रही है। इस पर कुछ टिप्पणी सबसे पहले आपसे अवधेश जी कि ये जो ट्रेंड आप देख रहे हैं कि पहले पूजा पाठ किया उसके बाद ही वो निकले, ये ठीक है आशीर्वाद लेना, लेकिन ये जो अंतर है पहले मतदान फिर जलपान, ये जनता कह रही है, और बड़े नेता पहले भगवान फिर मतदान,
ये तो प्रवृत्ति हमने देखी है हाल में, और हमारे मीडिया के कैमरों के कारण भी लोग ईश्वर की पूजा करते हुए बड़े बड़े नेता मतदान करने जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और बाकी इस समय के चुनाव का महत्व इसलिए है कि दो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो मुख्य पार्टियां वहां हमेशा से रही है, दोनों में इस बात की हो रही है, बल्कि हालांकि भाजपा ने तो थोड़ा कम भी किया है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर कौन सबसे आगे है, हिंदुओं की चिंता कौन करता है, ईश्वर में किसकी अगाध श्रद्धा है, कौन किसके प्रति कौन निष्ठावान ज्यादा है जी। तो ये बहस चली है कांग्रेस के, तो घोषणा पत्र में भी आपने उन सारे मुद्दों को देखा है, धर्म से राम पद गमन से लेकर के तो देखा है, तो इस नाते भी महत्व है। तो कमलनाथ जी को भी जाना था, क्योंकि कमलनाथ जी को इसके पहले भी हमने वोट डालते देखा है, लेकिन कभी हमने पूजा करके वोट डालते नहीं देखा है, वो जरा प्रगतिशील माने जाते थे। तो मेरे लिए भी ये पहला दर्शन था उनका, मैं लंबे समय से उनको देख रहा हूं। तो जाहिर है शिवराज सिंह तो जाते ही रहे हैं, उनका रहा है। तो ये प्रवृत्ति जो है इसको मैं कोई बुरा भी नहीं मानता हूं, लेकिन भगवान में सही आस्था हो तो ठीक है, अगर केवल ये दिखाने के लिए इससे हमको ठीक है। आपने जो कहा उसको अगर हम ले चले, गोपाल कृष्ण अग्रवाल ये जो कह रहे हैं आप देश जी, इसका ये मतलब है कि बीजेपी ने ये होड़ शुरू की और इसके दायरे में अब धीरे धीरे कांग्रेस भी आती दिख रही है। नहीं देखिए, बीजेपी ने कोई ये होड़ शुरू नहीं करी। बीजेपी एक मंदिर या ईश्वर की जो सम्मान है उसके प्रति हर हमारे कार्यकर्ता की अपनी आस्था है और नेताओं की भी अपनी आस्था है, उसी के तहत शुरू से जाते हैं। अगर आप मोदी जी को देख लीजिए तो पशुपतिनाथ जी के भी दर्शन करने जाते हैं, काशी विश्वनाथ जी के भी दर्शन करने जाते हैं, और अमित शाह जी भी जाते हैं, हमारे प्रदेश नेतृत्व भी जाते हैं, सबके अपनी आस्थाओं के हिसाब से जाते हैं। लेकिन कांग्रेस केवल वोट के हिसाब से जाती है। अगर गुजरात में वो मंदिर में जाती है तो कर्नाटक में वो डिवाइड एंड रूल करके लिंगायत को कहती है कि आप हिंदू धर्म से अलग हैं, फिर उत्तर प्रदेश में वो कहते हैं कि मुसलमानों का पहला हक है देश के संसाधनों पे, फिर कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में कहते हैं कि मुसलमान अगर 90% हमें वोट नहीं देंगे तो हम हार जाएंगे, उनको प्रोत्साहित करते हैं कि धर्म के आधार पे वोट करो। दूसरी तरफ वो सीपी ठाकुर कहते हैं कि ठीक है आप कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण कोई शुरू से रहा है, लोग आशीर्वाद लेकर जाते रहे और इसमें बीजेपी ने कोई करे तो रासलीला हो करे तो कैरेक्टर ठीक है। लेकिन इसमें एक और मुद्दा है, राजकुमार भाटी, आपको लगता है कि क्या ये अभी जो एक हिंदुत्व का ट्रेंड चल पड़ा है, अब कोशिश किसने की और ट्रैप कौन हुआ, ये सब एक अलग है मुद्दा इसमें, लेकिन इसके साथ साथ क्या ये भी बड़ा कारण है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना नफा नुकसान देखकर ही एक एक कदम बढ़ाती हैं? 91% वहां पर हिंदू हैं मध्य प्रदेश में, क्या यह भी एक वजह है? 7% मुस्लिम है, मुस्लिम कैंडिडेट भी कम खड़ा किया दोनों दलों ने। देखिए, आपने अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए जो वहां के कुछ विजुअल्स दिखाए और बताया, आपके रिपोर्टर ने भी बताया कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और दूसरे चैनलों पर भी मैं देख रहा था कि सब जगह बड़ी लंबी लंबी लाइन लगी हुई हैं, और आपके ग्रुप के एक चैनल पर एक मतदाता कह रहे थे कि मेरा ये समय गायत्री पूजा करता हूं मैं रोजाना, लेकिन आज मैं पहले वोट डाल के फिर जाकर पूजा करूंगा, क्योंकि आपने जिक्र किया इसलिए मैं इस बात को कोट कर रहा हूं। तो ये तो बहुत शुभ संकेत है लोकतंत्र के लिए, और एक अच्छी बात है कि लोग मतदान के लिए आ रहे हैं, मतदान प्रतिशत हर चुनाव में लगातार थोड़ा बहुत चाहे 1-2% बढ़े लेकिन बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा और जनता से भी अपील करना चाहूंगा कि वोट डालने के साथ साथ ये भी दृष्टिकोण बनाए, अपना एक सोच बनाए कि हमें किस मुद्दे पे वोट डालनी है जी। हम राजनीतिक मुद्दों पे वोट डालें और जो विकास के मुद्दे हैं उन पे वोट डालें, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे वोट डालें। चुनाव आयोग ये जो धार्मिक लुभावने नारे लगाकर और धार्मिक उन्माद फैलाकर और धार्मिक माहौल बनाकर जो लोग वोट हासिल करना चाहते हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, और जो वोटों का अपहरण करना चाहते हैं, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। और एक बात और कह दूं, ये कहना बार बार मैं सुनता हूं, हम कक्षा 6-7 में पढ़ते थे 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी जी, तब से हम नारे लगा रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के लिए और छोटे स्तर पे सही कहीं पंपलेट बांट रहे हैं, दीवार लिख रहे हैं। हम ये देखते हैं कि हर चुनाव उस समय 90 तक कहीं बीजेपी कहीं पिक्चर में नहीं होती थी, ठीक है, उस समय कांग्रेस हिंदुत्व की अलंबरदार मानी जाती थी, और जो सोशलिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टियों का हमला कांग्रेस में होता था कि ब्राह्मणवादी पार्टी है, हिंदूवादी पार्टी है, मंदिरों में जाते हैं इसके नेता, पूजा करते हैं। तो ये आज बीजेपी के लोग ये कहने लगे हैं
नहीं तो फिर दूसरी पार्टियां बीजेपी ने सिखा दिया एजेंडे से अपने काम से इस तरह का प्रतीक इस तरह का सिंबल क्यों नहीं खड़ा करती कि वो जवाब दे पाए तोड़ पाए अगर बीजेपी कुछ इस तरह का करती है तो जो आपके आरोप हैं सवाल ये हमारे साथ इंदौर से ब्रह्मप्रकाश दुबे हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं क्या ताजा अपडेट मिल रहा है आपको ब्रह्मप्रकाश इस वक्त बिल्कुल अजीत देखिए हम जिस पोलिंग बूथ पर हैं हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं और इसके साथ ही जानकारी देते हैं ये इंदौर का पोलिंग बूथ है और देखिए लंबी कतार है इसमें महिलाओं की भी लंबी कतार है अपने बच्चों के साथ भी महिलाएं आई हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ और अच्छी बात यह है आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र इस तस्वीर को देख के मुस्कुराता है जिस तरह से मजबूती दे रही हैं महिलाएं और तमाम वोटर पहुंच रहे हैं इंदौर में खास बात यह है कि इंदौर की जो 9 सीटें हैं 9 में से आपको बता दूं अभी 8 सीटें बीजेपी के पास है लिहाजा कांग्रेस के पास इंदौर की बात करें तो ज्यादा खोने को नहीं है लेकिन मुकाबला इस बार कड़ा है करें बात पूरे मालवा बेल्ट की तो मालवा में तकरीबन 66 सीटें हैं कुल मिला के जो मालवा इलाके में आती हैं और उसमें से 56 सीटें अभी बीजेपी के पास हैं लिहाजा मालवा बेल्ट में भी बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनकी साख दांव पर लगी है क्योंकि पिछला जो प्रदर्शन है वो दोहराना है अच्छी बात यह है कि इस बार वोटर ज्यादा निकल रहा है मैं आपको यह भी बता दूं सुबह के 3 घंटे में तकरीबन 1.25 करोड़ लोग मध्य प्रदेश में वोट करने के लिए निकले यानी 8 बजे से 11 बजे तक तकरीबन 1.25 करोड़ वोटर वोट करने निकले इसके बाद और मतदान प्रतिशत बढ़ा है बड़ी तादाद में वोटर निकल रहे हैं जैसे ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तो अजीत ये इंदौर की तस्वीर है और लगभग मध्य प्रदेश में इसी तरह की आज तस्वीर आपको देखने को मिलेगी वोटर उत्साहित होकर आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल हम फिर लौटेंगे आपके पास ब्रह्मप्रकाश रही हमारे साथ अवधेश जी आपको क्या लग रहा है कि जो मुद्दे हैं स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता भी इन मुद्दों से प्रेरित होकर काफी संख्या में वोटर्स आ रहे हैं बूथ की तरफ अपना वोट कास्ट करने के लिए इसमें किसानों का मुद्दा और युवाओं का मुद्दा बेरोजगारी और किसानी ये इस बार कितना प्रभावित करेगा कर रहा है देखिए ऐसा है कि मध्य प्रदेश जो हिंदी क्षेत्र के जितने भी मतदान होते हैं ना उनमें क्षेत्रीय मुद्दे तो होते हैं लेकिन हमने देखा है राष्ट्रीय मुद्दे भी प्रभावी होते हैं यहां तक कि नीचे के चुनाव में भी हमने राष्ट्रीय मुद्दे देखे इस बार भी देखिए वहां के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहे आपको लगता है रफाल और नोटबंदी और ये सब सारे मुद्दे हैं लेकिन जो आपने उठाया किसानों का मुद्दा देखिए वो इस बार भूमिका निभाने वाला है वो केवल इसलिए नहीं निभाने वाला है कि कोई एक बड़ा आंदोलन हो गया कांग्रेस ने जो किसान 10 दिन के अंदर किसानों के सारे कर्ज माफी की घोषणा कर दी है उसके बाद की जो रिपोर्ट आ रही है कि जो किसान किस्त देते थे समय पर वो किस्त देना उन्होंने रोका हुआ है जो धान बेचने की जो था कि जल्दी से जल्दी बेचो वो भी थोड़ा रोका हुआ है क्योंकि धान बेचने जाते थे तो बैंक से उसका कट जाएगा वहां से तो इसलिए सारे ये तो हावी होंगे ही होंगे लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव में मैं आपको दूसरे भी कई मुद्दे हैं जैसे हम लौटेंगे अभी एक्ट का एक बड़ा लौटेंगे एक एक करके सब पर बात करेंगे अभी जो किसानों का मुद्दा है हम इसी पर बात करते हैं राधिका खेरा हमारे साथ कांग्रेस की नेता जुड़ गई हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका राधिका जी ये कहा जा रहा है कि किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा चाहे जिस पार्टी ने भी जिस तरीके से भुनाया हो ये चुनाव में बहुत काम कर जाता है और इसी बात से प्रेरित होकर बिना किसी खास तैयारी के कांग्रेस ने इस तरह का ऐलान कर दिया देखिए कांग्रेस पार्टी जहां तक किसान की बात है कांग्रेस पार्टी का ही नारा था जय जवान जय किसान लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई चाहे वो देश में हो जो पिछले 4.5 साल से है या अन्य प्रदेशों में हो जैसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तो वहां पे नारा हो गया मर जवान मर किसान हमने देखा था किस तरीके से मंदसौर में किसान के सर के बीचों बीच गोली मार दी गई और शिवराज मामा जी चुप रहे किस तरीके से 15,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं मध्य प्रदेश में उनको MSP पूरा नहीं मिल रहा और जवाब में वहां के किसान ने आज अपना धान बेचना बंद कर दिया है और वो वेट कर रहे हैं कि 11 तारीख के बाद रिजल्ट आएगा और कांग्रेस पार्टी आएगी और जहां तक कांग्रेस पार्टी के वादे की बात है कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में भी वादा किया था कि हम कर्ज माफ करेंगे और कर्नाटक में भी किया था और वो उन्होंने पूरा किया और जो शिवराज तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कि कर्नाटक में और पंजाब में कहां अपना वादा निभाया कांग्रेस ने दोनों को कांग्रेस पे भरोसा है राधिका जी देखिए भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा है झूठ बोलना और देश की जनता को बरगलाना वो कायम है शिवराज सिंह चौहान जी ने तो वादा किया था कहते थे खुद को प्रदेश के बेटियों का मामा लेकिन खुद के बेटे के मामा को अपने साथ रख नहीं पाए खुद की प्रदेश की बेटियां जिनको मामा कहते थे अपना उनको ही धोखा दे दिया उनकी पीठ पे खंजर मार दिया किस तरीके से रेप के बलात्कार के वारदात आगे बढ़े जिस तरीके से वहां की बेटियां पढ़ नहीं पा रही किसानों के मुद्दे और दूसरे मुद्दे जो
आपको उठा रही हैं, हम इस पर गोपाल कृष्ण अग्रवाल का भी रिएक्शन लेंगे, बीजेपी इस पर क्या कहती है। इस बीच हम चलते हैं जबलपुर, राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। राहुल, जबलपुर में इस वक्त मतदान की क्या खबर है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए 26% यहाँ पे मतदान हुआ है, और मैं एक चीज ये बता देता हूँ, जबलपुर जिले की यदि बात किया जाए तो क्योंकि 8 विधानसभा यहाँ पे हैं और 8 में से पिछली बार 6 पे बीजेपी ने अपना परचम लहराया था, और ये पूरे के पूरे जिले को यदि कहा जाए तो बीजेपी का इसको गढ़ कहा जाता है। लेकिन इस बार जो यहाँ का माहौल देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कांटे की टक्कर यहाँ दिखाई दे रही है, सभी सीट पे यहाँ पे कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। तो यहाँ एक कई मुद्दे हैं, सीधे तौर पर यदि देखा जाए तो स्थानीय तौर पर जो है उम्मीदवार का भी कहीं विरोध देखने को मिल रहा है, या कहीं सीधे तौर पे कहा जाए तो जो विकास के मुद्दे हैं वो सभी मुद्दे भी हैं। मैं जरा सटे हुए यदि कुछ इलाके जैसे बुंदेलखंड में भी की बात किया जाए, और बुंदेलखंड का भी इलाका कहा जाए, या फिर उसके बाद जब मैं ग्वालियर चंबल संभाग की भी मैं बात करता हूं, मैं जब मध्य प्रदेश की वहां पर देखता हूं मैं, तो यहां पर भी इन जगहों की यदि बात किया जाए तो जैसे ग्वालियर चंबल संभाग में एक समीकरण अलग ही होता है, वहां जातिगत समीकरण सबसे ज्यादा हावी रहता है, बुंदेलखंड में किसानी और ये सभी चीजों को विकास का मुद्दा यहां पर लिया जाता है। लेकिन जब हम जबलपुर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ यहाँ उम्मीदवार का भी विरोध यहाँ पे देखने को मिला, और यहाँ पे विरोध यहाँ पे देखने को। ठीक है, आप रही हमारे साथ, आप रही हमारे साथ। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ये कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी जो राज्य स्तर पर जो होती या फिर सीएम को लेकर होती, वो अगर यूनिट के रूप में आप देखें तो विधायकों को लेकर काफी हावी है, और ये बात कह रहे हैं हमारे संवाददाता भी। सवाल है कि किसानों को लुभाने के लिए जो योजनाएं आपने लागू की, उनके बरक्स जो योजनाएं खड़ी करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, और जिसके बारे में अभी राधिका जी बता भी रही थी, आरोप भी लगा रही थी, इन पर क्या जवाब है आपका? देखिए, जहां तक बात है नारे देश को किसने दिए और काम किसने दिए, यह 45 साल 48 साल बनाम 4.5 साल की हमारी सरकार के केंद्र में पता चल जाएगा, और पहले 50-55 साल और 15 साल की प्रदेश सरकार से पता चल जाएगा। पहले 6 साल जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही उसे नहीं गिनते आप अपनी सरकार में, अग्रवाल साहब? और अगर सुन लीजिए, आपकी 4.5 साल ही ये है कि अगर इन्होंने किसानों के लिए इन्होंने काम किया होता तो आज किसानों की जो हालत है वो इस तरह की नहीं होती। आज किसानों की बदतर हालत की अगर कोई उनको आवश्यकता है सपोर्ट की, वो जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वह इसीलिए है कि इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। 15 साल में किसानों के लिए क्या किया ये बता देता हूँ। किसान मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र की जो विकास दर है वो पिछले उनके पहले के जितनी भी सरकार थी उसमें 2-3% थी, और केंद्र में भी सेंट्रल की टोटल विकास दर जो कृषि क्षेत्र की थी वो 2-4% से 3% से ऊपर कभी नहीं रही। लेकिन मध्य प्रदेश में 18-20% के हिसाब से कृषि क्षेत्र में विकास हुआ। ये दावा लगातार करती रही है शिवराज सरकार की 18-20% इरिगेशन लैंड, नहीं लास्ट बात मैं कह दूं, 8 लाख हेक्टेयर का असर क्या हुआ इसको लेकर? 8 लाख हेक्टेयर, ठीक है, ग्राउंड में क्या स्थिति है ये देखते हैं हम। ब्रह्म प्रकाश दुबे ब्रह्म प्रकाश, वोटर्स में किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं, कितनी लंबी लाइन है वहां पर, और जो मुद्दे अभी हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं उनका कितना असर आप देख पा रहे हैं ग्राउंड पे? बिल्कुल, मैं आपको सीधी तस्वीरें ही दिखाता हूं अजीत। देखिए, बहुत सारी लंबी कतार तो आप देख ही रहे हैं तस्वीर में जो हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं। हम बात करने की कोशिश भी करते हैं, महिलाएं हैं बहुत सारी। आप लोग बताइए, आप लोग वोट करने आई हैं, क्या क्या दिमाग में आपके चल रहा है, मुद्दे हैं कुछ, विकास मुद्दा है या सड़क बिजली पानी कोई मुद्दा है? जी आप लोग पुरुषों से बात करते हैं, पुरुष मतदाता हैं, आप लोग बताइए वोट करने पहुंचे हैं आप लोग कि मुद्दे क्या हैं प्रदेश के, विकास एक मुद्दा है या सड़क बिजली पानी कोई विकास विकास जी विकास कोई मुद्दा है? नहीं, विकास होना चाहिए, अच्छा है। और क्या मालवा में अगर हम जी आप बताइए मालवा की बात करें, क्या मुद्दे हैं खासकर इस इलाके? मुद्दे क्या है? कुछ नहीं है, बस यही कि विकास होना चाहिए, बेरोजगारों को नौकरी मिले, बस यही। ये सबसे अच्छा हुआ है, पानी भी है, बिजली भी है, रोड भी है, सड़क भी है, और बेरोजगारों को काम मिलना चाहिए, जरा ये इसका ज्यादा होना चाहिए बेरोजगारों का काम। हाँ। किसानों की समस्या भी बड़ा मतलब? नहीं, किसानों की समस्या नहीं, तो किसानी लोग जाने, हम तो नहीं जानते ना, उधर शहर वाले थोड़ी जाते होते हैं, सबके अलग है। महिलाएं बड़ी तादाद में है, और खासकर आप मुझे बताइए, बहुत सारी महिलाएं वोट करने इस बार निकल रही, क्या मुद्दे हैं यूथ के, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, क्या मुद्दे हैं?
हम लोगों के मुद्दे यही है कि हम लोग फ्रीडम से बाहर निकल सके, किसी भी चीज के लिए रोका टोकी ना हो, बिकॉज गर्ल्स के लिए काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में, कोई मुद्दा है या ठीक है? लड़कियां सब आ जाती ठीक तो नहीं है, बट हाँ 50% ठीक हुआ है, चाहते है कि 100% ठीक हो गर्ल्स। हाँ बिल्कुल, तो ये महिलाएं हैं और जो कह रही हैं कि मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उन आप ये भी देखिए तस्वीरों में कि बड़े उत्साहित हैं वोट करने के लिए और निकल भी रहे हैं। बिल्कुल ब्रह्म प्रकाश, ये बताइए ईवीएम में खराबी को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, क्या हालात हैं इस वक्त? जितने बूथ आप इस वक्त कवर कर रहे हैं वहां पर ईवीएम में खराबी की भी कुछ शिकायतें मिली हैं, अगर मिली हैं तो उन्हें कितनी जल्दी दूर किया गया है? देखिए अजीत, अब हम थोड़ी देर पहले जो इंदौर के एडिशनल एसपी हैं उनसे बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि कुछ जगह से शिकायत जरूर आई है ईवीएम की खराबी की, लेकिन तुरंत वहां पर रिप्लेस किया जा रहा है जिन जिन ईवीएम में शिकायतें आ रही हैं। और पूरे मध्य प्रदेश में बात करें तो 3 कर्मचारियों की जो ड्यूटी के दौरान मौत की भी खबर आई है, 2 इंदौर में और 1 चंबल संभाग में, ये भी खबर है। ग्वालियर में बताएं कई जगह पर ईवीएम की खराबी की शिकायत कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी चुनाव आयोग से की है, और उन्होंने ये भी मांग की है कि जो वोटिंग का टाइम है वो शाम को बढ़ाया जाए क्योंकि कुछ देर के लिए ईवीएम खराब रही हैं। पूरा मौका मिलना चाहिए जनता को वोटिंग का, और इसके लिए टाइम बढ़ाने की बात है। मैं आऊंगा।